हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सातवां चैप्टर है एल्कोहल फिनाल तथा ईथर, एल्कोहल फिनाल तथा ईथर वाला चैप्टर देख रहे थे, तो आज हम इसमें क्या शुरू करने वाले हैं, आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले फिनॉल के बारे में। फिनॉल क्या होता है और फिनॉल के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। फिनॉल के क्या प्रकार होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, इसके बारे में आज बहुत ज़्यादा मस्त तरीके हम लोग समझने वाले, ठीक है। तो यार भाई प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से आप लोग समझना फिनॉल क्या होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अल्कोहल फिनाल ईथर का फिनॉल, ठीक है। और बात करें इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने अल्कोहल के बारे में पूरा क्लियर कर लिया था, अल्कोहल क्या होते हैं, और मेथिल अल्कोहल के बारे में बात की थी, उसके बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण और उपयोग, एथिल अल्कोहल पे भी ये सब बता दिया था। अब शुरू है फिनॉल, क्या होता है आपका फिनॉल, तो पढ़ते ही से लिखा हुआ है एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह OH सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है फिनॉल कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक समझते हो, एरोमेटिक यौगिक का ये मतलब होता है मतलब बेंजीन रिंग वाले यौगिक, सीधा सीधा कह सकते हो जिस पे एरीन लगा हो अर्थात बेंजीन रिंग लगी हो, ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह अर्थात OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उसे क्या नाम देते हैं, फिनॉल नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल आपको कहा गया बेंजीन रिंग से OH समूह जुड़ा होता है, ठीक है, सीधा जुड़ा होता है, तो ये आपकी इस टाइप से जो बनती है इसे बोलते हैं बेंजीन रिंग, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग बोलते हैं। अगर आप इस बेंजीन रिंग से यहां पे OH ग्रुप जोड़ देते हो तो इसका क्या नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है फिनॉल, इसको क्या बोल देते हैं, फिनॉल बोल देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, फिनॉल। और ये बेंजीन रिंग आपकी इस तरह से भी बन सकती है या आपकी ये रिंग इस तरह से भी बन सकती है, कैसे, आपको सिंपल इस टाइप से पहले बना लेना है, फिर एक बॉन्ड आपको यहाँ पे लगाना है, फिर एक छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे लगाना है, फिर ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ से लगा देना है, तो इस टाइप से भी आपकी बेंजीन रिंग बन जाती है और यहाँ पे आपको OH लगा देना है, ठीक है। तो ये भी आपकी फिनॉल की रिंग है, ये भी फिनॉल की रिंग, चाहे इस तरह से बना लो या इस तरह से बना लो, ठीक है, जो आपको आसान लगे आप बना सकते हो। और अगर बात करें तो इसका एक नाम और क्या होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि वहाँ पे OH अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो इसको नाम दे देते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या नाम दे देते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम दे देते हैं। और बात करें जैसे कि ये आपका फिनॉल हो गया, और भी आपके फिनॉल के एग्जांपल दे, जैसे आपका अगर मान लो ये तो आपकी मान लो रिंग हमने बनाया ना सिखाया, चाहे इस तरह से बना सकते हो या इस तरह से, आप मान लो आपका जैसे अगला एग्जाम्पल दे दें आपको, जैसे कि मान लो अगर आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप मान लो लगाओ और यहाँ पे OH ग्रुप लगाओ, तब भी ये आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा मान लो बेंजीन से, यहाँ पे OH लगा, तब भी ये फिनॉल है, क्यों, क्योंकि आपसे कहा गया कि एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह अर्थात OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो ये एरोमेटिक यौगिक इसमें OH समूह देख सकते हो सीधा जुड़ा हुआ है, अर्थात ये एक प्रकार का क्या है, फिनॉल है, ठीक है। और इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आर्थोक्रिसॉल, इसका नाम होता है आर्थोक्रिसॉल, ठीक है, इसका क्या नाम होता है, आर्थोक्रिसॉल नाम होता है इसका, ठीक है, आर्थोक्रिसॉल। इसी टाइप से आपका जैसे आर्थोक्रिसॉल होता है, इसी प्रकार से मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल भी होते हैं, जैसे कि आपका मान लो, ठीक है, यहां पे मान लो अगर हम लोग यहां पे CH3 लगा दें और OH अब की आर्थो की जगह ना लगा के हम लोग यहां पे लगा दें OH, तो इसे कहेंगे मेटाक्रिसॉल, इसे क्या कहेंगे, मेटाक्रिसॉल कहेंगे। इसी प्रकार से आपका पैराक्रिसॉल भी बन सकता है, ठीक है, इसी प्रकार से पैराक्रिसॉल भी बन सकता है ये इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे OH लग, यहाँ पे CH3 लग जाए और इस बार OH यहाँ पे लग जाए, तो इसे नाम देंगे पैराक्रिसॉल, ठीक है, पैराक्रिसॉल। ये आपके क्या है, सारे उदाहरण हैं फिनॉल के, ये आपके उदाहरण है किसके, फिनॉल के उदाहरण है, ये सभी आपके फिनॉल हैं, ठीक है, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ये सारे फिनॉल हैं। आपको देखो सिंपल ये समझना, अगर ये ना समझ में आ रहा हो, देखो जैसे CH3 यहाँ पे लगा, इसके बगल वाला अगर जैसे कोई समूह, देखो जैसे बेंजीन रिंग है आपकी, ये आपकी बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग पे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे CH3 लगा हुआ, अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा तो इसके बगल वाले को क्या नाम देते हैं, इसके बगल वाले को नाम देते हैं आर्थो, और फिर ये वाला होता है मेटा और ये वाला होता है पैरा, ठीक है, आर्थो मेटा पैरा, अगर यहाँ पे कोई समूह लगा है तो उसके बगल वाला आर्थो कहलाता है, इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा। इसीलिए जैसे CH3 यहाँ पे लगा था तो इसके बगल वाले को आर्थो कहा गया, इसके अगर एक छोड़ के और हो, जैसे इस वाले को आर्थो, इस वाले को मेटा, इस वाले को पैरा, तो यहाँ पे लगा हुआ है अर्थात ये मेटा क्रिसॉल हो गया।
यहाँ पे लगा हुआ है तो पैरा क्रिसोल हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्थोमेटा पैरा लिखा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। तो ये अभी तक आपके क्या है, सिंपल। ये आपके क्या है, ये आपके सिंपल से नाम है। और जैसे कि आर्थोक्रिसाल नाम है, इसका एक सिंपल नाम नेम भी होता है, आर्थोहाइड्रोक्सी टालुइन भी से बोलते हैं, आर्थोहाइड्रोक्सी टालुइन। जैसे उसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल, इसे क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो उसी प्रकार से इसे क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन। देखो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सीएसरी ग्रुप लगा होता है, मान लो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर सीएसरी ग्रुप लगा, तो इसका नाम होता है टालुइन। इसका क्या नाम होता है, टालुइन नाम होता है, ठीक है, इसका नाम होता है टालुइन। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे OH लग गया तो इसका क्या नाम हो गया, आर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन, ठीक है। ये आपका टालुइन होता है, अगर OH लग गया तो आर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन, ठीक है। और अगर OH यहाँ पे आर्थो पे लगा तो आर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन, इस पे अगर मेटा पे लगा तो मेटा हाइड्रोक्सी टालुइन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटा हाइड्रोक्सी टालुइन, ठीक है। इनके नाम भी आपको समझ लेने कैसे लिखे जा रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी टालुइन, ठीक है। इस टाइप से इनके नाम हो जाते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी टालुइन, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, फिनॉल है। ये सारे आपके पास क्या है, फिनॉल है, ठीक है। देख सकते हो, ये आपका फिनॉल था, ये मतलब सारे फिनॉल है। मतलब सीधी सी बात समझो, अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो फिनॉल कहलाएगा। ये सभी आपके फिनॉल हैं। कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे ये है हाइड्रोक्सी बेंजीन। आप बेंजीन रिंग को इस तरह से भी बना सकते हो, इनमें भी सब में, चाहे इस तरह से बना लो रिंग, चाहे इस तरह से, ठीक है। ज़्यादातर आसान यही रहता है, ये वाली बनाए करो, ज़्यादा आसान रहती, ठीक है। बीच में गोला बना दिया आराम से, इसमें बॉन्ड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे ये वाली बनाओ, ये वाले दोनों में से एक ही बनाना, ठीक है। और आपका ये भी फिनॉल है, क्योंकि इसमें भी OH जुड़ा हुआ है। इसका नाम आर्थोक्रिसाल या आर्थोहाइड्रोक्सीटालुइन, इसका नाम मेटाक्रिसाल या मेटाहाइड्रोक्सीटालुइन, इसका नाम पैराक्रिसाल या पैराहाइड्रोक्सीटालुइन। तो ये आपके हैं क्या, फिनॉल के आपके उदाहरण, ठीक है, फिनॉल के उदाहरण। फिनॉल पे आपने समझा कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन से जुड़ा होता है, उसे फिनॉल कहते हैं। आप बात करते हैं फिनॉल के प्रकार, ठीक है। फिनॉल के प्रकार, यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं फिनॉल के प्रकार, ठीक है। क्या हेडिंग लगाते हैं, फिनॉल के प्रकार। कितने प्रकार का होता है फिनॉल, फिनॉल के प्रकार। अगर बात करें OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, फिनॉल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। OH ग्रुप की संख्या के आधार पर लिखते हैं, OH समूह की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, आधार पर फिनॉल तीन प्रकार के होते हैं। फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, कि मतलब किसमें कितने OH ग्रुप होंगे, इसके आधार पे आपका फिनॉल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला नंबर होता है आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दूसरा नंबर आपका कौन सा होता है, डाईहाइड्रिक फिनॉल। और तीसरा कौन होता है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इस टाइप से तीन प्रकार के फिनॉल होते हैं हाइड्रिक, ठीक है, सही तो होता है हाइड्रिक फिनॉल। तो फिनॉल की बात करें, OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल तीन प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। और बात करें मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का ये मतलब है कि इसमें एक OH ग्रुप होगा, इसमें एक OH होगा। डाईहाइड्रिक पे दो OH होंगे और ट्राईहाइड्रिक पे तीन OH समूह होंगे। इसके ही आधार पर आपका फिनॉल के प्रकार होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपका फिनॉल पे एक OH ग्रुप तो आप तुरंत जान जाना वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, अगर दो OH ग्रुप तो डाईहाइड्रिक फिनॉल, अगर तीन OH ग्रुप तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जैसा कि यहाँ पे इन सभी में एक ही एक OH ग्रुप है, अर्थात ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, ये सारे मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। आप जैसे आपको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के उदाहरण दें, तो सिंपल ये वाला जो आपका था, जैसे कि ये, ठीक है, जैसे कि ये आपका यहाँ पे OH लग जाए, तो ये आपका क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का उदाहरण है, जिस पे केवल एक OH ग्रुप लगा। ये सारे आपके मोनोहाइड्रिक फिनॉल, क्योंकि सब में एक OH ग्रुप है, ठीक है। डाईहाइड्रिक की बात करें, जिसमें दो OH ग्रुप हो, डाईहाइड्रिक पे क्या होगा, जिस पे दो OH ग्रुप होंगे तो डाईहाइड्रिक फिनॉल। मान लो यहाँ पे भी OH लगा है, यहाँ पे भी OH लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक फिनॉल। और इसका नाम भी जान लो, इस वाले का नाम है आर्थो, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है।
आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। आर्थो क्यों लगा, क्योंकि आपको पता है OH ग्रुप जैसे लगा है, इसके बगल वाला आर्थो, इस ये मेटा, ये पैरा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण दे सकते हो, ठीक है, और भी इसी से बना सकते हो, मेटा वाला भी हो सकता है, पैरा वाला भी हो सकता है। मान लो OH यहाँ लगा, इस बार ये वाला OH यहाँ पे लगा दे, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी प्रकार से पैरा वाला भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, डाईहाइड्रिक फिनॉल जिसपे OH ग्रुप तीन होते हैं, ठीक है। ये सब आपके क्या है, डाईहाइड्रिक फिनॉल जिसपे OH ग्रुप दो होते हैं, ठीक है, दो होते हैं। अब बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में तीन OH ग्रुप होंगे, ठीक है, तीन OH ग्रुप होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लो, उदाहरण के तौर पर मान लो यहाँ पर आपका ये बेंजीन रिंग बन गई, यहाँ पर एक OH लगाओ, यहाँ पर एक OH लगाओ, यहाँ पे एक OH लगाओ, तो इसे बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, क्योंकि इसमें तीन OH ग्रुप। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, सिंपल, देखो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग पे होते हैं छः कार्बन, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग है इस टाइप से बनी होती है तो बेंजीन रिंग पे कितने कार्बन होते हैं, छः, क्योंकि इसका सूत्र होता है C6H6, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, C6H6, अर्थात छः कार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छः कार्बन होते हैं, तो आपको कार्बन की नंबरिंग कर लेनी, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा और छठवा, छह कार्बन लगे होते सभी बेंजीन रिंग पे, ठीक है। बेंजीन रिंग है तो उसमें छह कार्बन है, ठीक है। तो अगर इसका नाम लिखना चाहो तो देखोगे पहले कार्बन पे OH लगा, दूसरे कार्बन पे OH लगा, तीसरे कार्बन पे, तो आप इसका नाम लिख सकते हो 1, 2, 3, क्योंकि एक पे लगा, दो पे लगा, तीन पे लगा, तो आपको दर्शाना होगा 1, 2, 3, और तीन बार OH लगा, इसलिए क्या प्रयोग करना है, ट्राई। तो 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, और बेंजीन रिंग पे लगा तो बेंजीन। तो 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। अब जैसे इसमें तीन OH लग गए, आप इसी तरह से चाहो तो और भी बना सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो और भी बना सकते हो। ये जैसे आपका OH यहाँ लगा, एक OH यहाँ लगा, मान लो एक OH इसको छोड़ के यहाँ पे लगा दें, इस तरह से भी कर सकते हो, या ये छोड़ के यहाँ पे लगा दे, या ये छोड़ के यहाँ पे लगा दे, तो इस तरह से आप कई सारे बना सकते हो। इनका नाम भी लिख सकते हो, पहले कार्बन पे OH लगा, दूसरे पे OH लगा, तीसरा छोड़ के चौथे पे लगा, तो 1, 2, 4 चौथे पे लगा ना, तो 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इस तरह से भी बना सकते हो। मतलब सीधी सीधी बात ये समझो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल पे एक OH ग्रुप होगा, डाईहाइड्रिक फिनॉल पे दो OH ग्रुप होंगे, और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल पे तीन OH ग्रुप होंगे, बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में भी आई होगी। सिंपल, सबसे पहले हमने देखा फिनॉल क्या होते हैं, कि आपका एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा रिंग से जुड़ा होता है बेंजीन रिंग से, उसे फिनॉल कहते हैं, उदाहरण ये सारे हैं। फिनॉल के प्रकार OH समूह की संख्या के आधार पर होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक पे एक OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक पे दो और ट्राईहाइड्रिक पे तीन। तो ये था आज फिनॉल क्या होता है, फिनॉल के प्रकार। अब ये तो हमने देख लिया, अब अगला जो वीडियो आएगा उस पर हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो पर हम लोग बात करेंगे फिनॉल के बनाने की विधियाँ, कि हम लोग फिनॉल को कैसे बना सकते हैं, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है। इसके बारे में आप जो कल वीडियो आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और चैनल पर जाकर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उस पर आपको इस चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो, आप मिलते हैं अगले वीडियो पे।